दोस्तों नमस्कार, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए गणित में अच्छे नंबर कैसे लाएं। इसके लिए मैं कुछ टिप्स लाया हूँ। देखिए, गणित में अच्छे अंक लाने के लिए टिप्स, तो हम गणित में अच्छे नंबर कैसे लाएं, इसके लिए मैं कुछ तरीके लाया हूँ। हम सोचते हैं कि हमें गणित में बहुत कम नंबर आते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसके लिए मैं कुछ तरीके लाया हूँ जिसके द्वारा आप गणित में अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मोबाइल का उपयोग जो हम कर रहे हैं वह केवल पढ़ाई से संबंधित कार्य के लिए ही करें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सभी चीज़ों से, फेसबुक, इन सभी चीज़ों से अभी हम दूर रहें जब तक कि हमारी परीक्षा होनी है। इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि यदि हम इनका उपयोग मोबाइल का उपयोग हम सोशल मीडिया में करते हैं तो फिर हमारा मन भटक जाता है और हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़, मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए ही करें, अन्य चीज़ों के लिए मोबाइल का उपयोग ना करें। फिर दूसरा, जब आप प्रश्नावली हल करते हैं तो उससे ज़्यादा उसके महत्वपूर्ण होते हैं उनके उदाहरण। तो प्रश्नावली से ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं, तो उदाहरणों को अच्छी तरह से हल करें और फिर उसके बाद उन्हीं उदाहरणों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करें। उदाहरणों को हल करें और उनके बाद उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करें। फिर इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि अपन ने उसको कहानी की तरह पढ़ लिया, नहीं, उसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे समझना है और फिर पेन और पेपर लेकर ही उन्हें हल करना है। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया और अपन ने ऐसे ही देख के समझ लिया और वो हल हो गया, नहीं, उसको आप पेन और पेपर लेकर हल करें। आप जितना ज़्यादा हल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस के ऊपर गणित डिपेंड है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उसे बार बार हल करके देखें। ये नहीं है कि ये कठिन है, ये हार्ड है, इसको अपन छोड़ दें, नहीं, उसको आप समझें और उसको बार बार हल करके देखें। एक बार नहीं दो बार आएगा, दो बार नहीं तीन बार में तो आएगा, हल करके आप बार बार देखें। जैसा कि मैंने कहा कि जो गणित है वह प्रैक्टिस पर डिपेंड है, टोटल प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस को आप बंद ना करें, प्रत्येक दिन 2 घंटे आप गणित को दें और 2 घंटे आप उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आप पिछले 3 वर्षों से जो पेपर आ रहे हैं उनको हल करें और उनसे संबंधित जैसे भी जो भी प्रश्न हैं उनको हल करें। 3 वर्षों के पेपर हल करें और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। फिर इसके बाद है मॉडल पेपर और सैंपल पेपर को भी हल करें। जो आपके पास मॉडल पेपर हैं और जो आपको सैंपल पेपर हैं आपके पास, उनको भी हल करके देखें। फिर आप क्या करें, इसके बाद यूनिट वन से स्टार्ट करें अपन और प्रत्येक यूनिट के प्रश्नों को हल करके देखें और प्रश्नों को पढ़कर या रटकर उन्हें ना समझें। हम उन्हें पढ़ें और उनको रटकर ना समझें, उन्हें पेपर पर स्वयं हल करके देखें कि ये हमसे बन रहा है या नहीं। यदि हम कागज पेपर पर इनको हल करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमसे कौन सा प्रश्न बन रहा है और कौन सा नहीं। पढ़ने मात्र से हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमसे ये प्रश्न बनेगा या नहीं, आपको उन प्रश्नों को हल कर देखना है। जो भी हार्ड प्रश्न है उनकी एक सूची बनाएं और फिर उन्हें समझें और उन्हें बार बार हल करने का प्रयत्न करें। हार्ड प्रश्नों की आप एक सूची बना लें और उन प्रश्नों को समझ लें कि ये कहाँ पर क्या हमें दिक्कत हो रही है और उनको समझकर उनको बार बार हल कर देखें। जब आप पेपर करें तो समय का विशेष ध्यान रखें। जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करें। ऐसा नहीं है कि अपन जो प्रश्न बन रहा है उनको बाद में कर लिया, नहीं, जो बन रहे हैं सबसे पहले आप उनको हल करें और उनका नंबर भी सही डालें। मान लीजिए आप 7वें नंबर का प्रश्न आप फर्स्ट में कर रहे हैं तो उसका 7 नंबर ही डालें, नंबर आप सही डालें और फिर उसके बाद उसको हल करें। जो पेपर में दिया गया वही नंबर आप डालें। फिर कोई भी प्रश्न पत्र हल करते समय कोई भी प्रश्न आप छोड़ें ना,
उनको आप ना छोड़ें। जो जितना भी आपसे बनता हो, आधे स्टेप बनता है आधा करें, आधा क्वेश्चन बनता आधा करें, 1/4 भाग बनता है तो 1/4 भाग करें। वही है, जितने स्टेप आपसे बनते हैं उतने हल करें, क्योंकि प्रत्येक स्टेप पर आपको अंक मिलते हैं। जितने भी आप स्टेप करोगे उनके अनुसार ही आपको अंक मिलेंगे। यदि आपने कहा कि ये तो मेरे से आधा बनता है, आधा इसको छोड़ दें, तो आधा इसको बन रहा है तो इसको अपन छोड़ने ना करें, तो ये गलत है। आपसे जितना बनता है, आधा बनता हो, 1/4 भाग बनता हो, 3/4 भाग बनता हो, जितना बनता है आप उतना हल करके आए। फिर फार्मूला, जो आप मेन बात होती है फार्मूले की, तो आपके जो कोर्स में फार्मूले हैं उनको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि पूरी ही गणित फार्मूलों के ऊपर डिपेंड है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर उपयोग होता है। तो फार्मूले को अच्छी तरह से याद करें और जहाँ भी फार्मूला लगे उसी फार्मूले का उपयोग करें। जो भी फार्मूला लगता है वहाँ पर उसी का उपयोग करें, कोई दूसरे का उपयोग ना करें। फार्मूले को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसकी एक सूची बनाएं और उसे अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लें। जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उसके सामने उस टेबल, उस फार्मूले की सूची को लगा लें, और बार बार आते जाते उसको देखने पर आपको उसका वो फार्मूले याद हो जाएंगे। और यदि आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो इस फार्मूलों का एक स्क्रीन शॉट लेकर उसे अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लें, क्योंकि जो भी वस्तु हमारे सामने होती है वह हमें जल्दी ही याद होती है या वो जल्दी ही हमारी समझ में आती है। तो आप उसका वॉलपेपर बना लें ताकि वह फार्मूले आपके सामने हो। जितनी बार आप मोबाइल को चालू करेंगे तो आपके फार्मूले आपके सामने होंगे और वो आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम गणित में अच्छे नंबर ला सकते हैं।